मैं अक्सर सोचता हूँ, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूँ जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से. खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से. मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं. आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक. पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई. राजा रसोई और अंदाज अनोखा. जब हम छोटे थे तो इंतजार होता था कि भाई कनाडा वाली बुआ आएंगी, नए नए कपड़े लाएंगी, खिलौने लाएंगी. वी टू वेट फॉर टॉयज. हाँ, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है. नाउ द टॉयज हैव बिकम इंग्रेडिएंट्स. और मैं वो फ्राइडे वाली फ्लाइट का वेट करता हूँ कि फ्राइडे वाली फ्लाइट आएगी तेहरान से, उसमें कोई ना कोई दोस्त आएगा. नहीं भी आएगा तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ ईरानी इंग्रेडिएंट्स मंगवा लेंगे. बिकॉज द बेरी पुलाव मेड विद द ओरिजिनल ज़रेश्क बेरीज इज समथिंग. क्रैनबेरी, रैनबेरी, लोग बोलते हैं ये डालो वो डालो, इट इज़ नॉट द सेम थिंग. तो मेन्यू तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है. तो चिकन बेरी पुलाव के तीन हिस्से हैं. एक तो ऑब्वियसली चिकन, दूसरा बेरीज और तीसरा पुलाव. तो सबसे पहले चिकन की तैयारी करता हूँ. स्लाइस अनियन, जायफल, इट्स यूज्ड अ लॉट, दालचीनी, लगभग आधा किलो चावल लेता हूं मैं. चलो जी चिकन पकाते हैं. हर अच्छी चीज घी से शुरू होती है. अच्छा दो काम कर लेता हूँ. एक तो इसको करता हूँ साइड, ठीक है ना. दूसरा चावल भी चढ़ा देता हूँ. जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा नमक चिकन पे, थोड़ा नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो ईरान से लोग वैसे तो ट्रेडर्स के तौर पे आते रहते थे, लेकिन जो मेजर माइग्रेशन हुआ है ना, वो मेजर माइग्रेशन हुआ है लेट 1800s में, जब एक बहुत सूखा पड़ा ईरान में और बहुत सारे लोग अलग अलग दिशाओं में गए और कुछ लोग हिंदुस्तान की तरफ आए. अब इसी पैन में ना थोड़ा सा पानी डालता हूं. ये पता है क्या है? डांस ऑफ फ्लेवर्स. चलो फ्रेश टोमेटो प्यूरे. गॉड सो गुड. ओए हो, पिस्ता, शुगर एंड ज़रिश्क बेरीज. थोड़ा सा ना फ्राइड अनियन भी डाल देता हूँ. पिस्ता, मिक्सी बनवाने चले. भैया मिक्सी सब खराब हो गया है. हाँ. जा रहे हैं बनवाने. मिक्सी इस्तेमाल ही कहाँ करते हैं, बाद में चले जाएगा. मिक्सी यूज कहाँ होती है इतनी. अरे कभी कभी माल सिलवट्टा है ना.
जरूरत पड़ जाता है मिक्सी का। अरे कोई बाद में हो जाएगा मन्नू भाई, बाद में हो जाएगा मन्नू भाई। अरे भैया तो नहाते सोच रहे थे ना आपका कपड़ा छूट गया है। अरे बाद में आ जाएगा मन्नू भाई, अभी कहाँ इतनी दूर जाओगे। ना ना भैया आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कपड़ा ले आएंगे हम। कहाँ जा रहे मन्नू भाई? आते आते जो है कपड़ा ले आएंगे। नहीं कहाँ कहाँ जा रहे? अरे भैया एक तो आदमी मिल गया था ट्रेन में, वो बोला कि फिल्म लगा है। कौन सा? नाम तो भुला गए हैं लेकिन उसमें गाना 17 है, आप जानते हैं सर गाना हमको कितना पसंद है। हाँ भैया तो पिक्चर देखने जा रहे हैं ना आप? अरे नहीं भैया पिक्चर तो बाद वाला काम है, मेन काम तो अब कपड़ा लाना है, मिक्सी बनवाना है। हसन ने कितने पैसे दिए थे आपको? 300 रुपये बताए थे आपको। 200 बताया था? 200 बताए थे। अरे भैया आप मतलब सब हिसाब ले लीजिएगा। शुक्रिया भैया। जाओ जाओ भैया जाओ, लेट हो जाएंगे। ले हम खाना वाना नहीं छोड़ेंगे, आराम से हम खाना नहीं रखेंगे। चलिए एक मिनट देख लें, ये वाला रखिएगा, दो चार ठो, दो चार ठो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। शाही अंदाज में प्लेटिंग करनी है आज। नाइस, दिल खुश हो गया। Potato. You know what stands out for me? के flavours are so clean. केसर है, गुलाब है, धनिया है, हल्का सा जीरा है. Very clean flavours. कोई complication नहीं है. और जब मैं खाता हूँ तो हर flavour को एक language मिल जाती है. पता लग जाता है हाँ खटास बेरी से आ रही थी, केसर केसर से आ रहा था, जो मिठास है वो घी की चावल की है. It's outstanding. क्या कहते हो? The dish does not need to prove itself. हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।